निर्भया गैंगरेप मामले को 5 साल बीत चुके हैं। निर्भया के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जन आक्रोश था, लोग सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन अभी तक निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने के बाद भी फैसले पर अमल नहीं हुआ। उधर निर्भया की मां ने तो आज भी महिला सुरक्षा को लेकर सिर्फ राजनीति की जाती है। सरकार और प्रशासन के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं, लेकिन महिला सुरक्षा पर जमीनी स्तर पर कुछ खास काम नहीं किया गया। निर्भया की मां से बात की हमारे सहयोगी जतिन शर्मा ने। 16 दिसंबर दिल्ली में काले दिवस के तौर पर मनाया जाता है। निर्भया के बारे में अगर आज भी हम सुने तो रूह कांप जाती है। निर्भया की मदर हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर काम भी कर रही हैं। मैडम, आपसे जानना चाहूँगा कि कितनी जो है, ये कहें कि 2012 से लेकर अब 5 साल बीत चुके हैं, क्या बदला जमीनी स्तर पर? क्या पुलिस वाले पहले के मुकाबले बड़े, क्योंकि उस समय कई वायदे किए गए, दिल्ली की सड़कों पे सीसीटीवी लगाने की बात की गई, कितना बदला अभी तक 5 साल हो चुके हैं? देखिए, मैं ये भी नहीं कह सकती कि नहीं कुछ भी नहीं बदला, लेकिन बहुत कुछ नहीं बदला, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। क्योंकि आज भी हम सीसीटीवी कमरे की बात करें, अब 5 साल पीछे भी किए थे, तो जो भी 5 साल पहले बातें हुई, वादे हुए, वो कागजों तक सीमित है, अभी उस पर काम नहीं हुआ। तो इस पर हमें सबको मिलके काम करने की जरूरत है, खास करके हमारी सरकारें, हमारा पुलिस व्यवस्था, हमारा सिस्टम। जब तक ये तीनों काम नहीं करेगा, जब तक ये इस समस्या को सामने नहीं लाया जाएगा, तब तक हम बच्चियों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। कमी कहाँ लग रही है मैम आपको, क्योंकि आप भी लगातार कई एनजीओ से जुड़ी हैं, कई लड़कियों की मदद भी कर रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें, रेप केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 2 साल की बच्ची से भी सुनने में आता है दिल्ली में, 5 साल की बच्ची से भी आता है, और 35 साल की महिला से भी आता है। कमी कहाँ रह रही है, कहाँ कमी है कि जिसको सुधारने की अब जरूरत है? देखिए, कहीं ना कहीं इस चीज को हम अभी दबा के रखे हुए हैं। मान लो किसी महिला के साथ हो कुछ हो गया, तो घर में भी उसको दबाया जाता है कि अरे हम सामने आएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। इसी तरह हमारी जो व्यवस्था है वहाँ भी दबा हुआ है, क्योंकि ये नेगेटिव में जाता है कि नहीं इनके राज में हुआ, उनके राज में हुआ। तो ऐसे हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस मुद्दे को भी जैसे हम हर पॉलिसी, हर चीज को सामने रख के करते हैं कि नहीं ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा, तो इस मुद्दे को भी जो महिलाओं के साथ हो रहा है, इसको भी हम एक समस्या सामने करके, खासकर हमारी सरकार, हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारा सिस्टम इस मुद्दे को भी सामने रख के इस पे काम करेगा, इसको सामने लाएगा कि नहीं हमारे देश में ये चीज हो रहा है, इसके होने से हमारे देश को हानि हो रही है, खासकर महिलाओं को, तभी हम महिलाओं को सुरक्षित कर पाएंगे। क्या लग रहा है कि कागजों पर तो सरकार कई बातें करती है, जमीनी स्तर पर वो दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसा भी आप लोगों के सामने कई परेशानी आती है कि सरकार वायदे बहुत कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है? देखिए, हमारी सोच यही है कि चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारा सिस्टम, चाहे हमारी पुलिस व्यवस्था हो, जब भी केस होता है तभी बहस होता है, 2-4 दिन चलता है, फिर दब जाता है, इसके अगेंस्ट केस होते जा रहे हैं। तो जब तक हम इसको पॉलिटिक्स से हटके अगर इससे कुछ नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी केस होता है, हम एक दूसरे पे थोप के अपना पीछा छोड़ा लिया जाता है, तो ऐसे नहीं। कम से कम जो महिलाओं के साथ समस्या है, महिलाओं के और बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है, इस पे सब लोगों को मिलके एकजुट होके जमीनी स्तर से इस पे काम करना पड़ेगा, तभी हम इस समस्या का हल निकाल पाएंगे। आखिरी सवाल मैम, क्या सिस्टम को सुधारने की जरूरत आ गई है? क्योंकि 5 साल बीत गए, आप भी लगातार कोर्ट प्रोसीडिंग में निर्भया मामले पे भी लगे हैं, फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। 5 साल एक लंबा समय होता है, क्या लग रहा है कि कमी कहाँ रह रही है कि जिस चीज की, क्योंकि इतना हीनियस क्राइम था, लेकिन फांसी की सजा अभी तक कोर्ट नहीं दे पा रहा, हो नहीं पा रही है उनको, क्या लग रहा है कि कमी कहाँ रह रही है? देखिए, सब कुछ है, कोर्ट है, कानून है, लेकिन जो ढीले हो रहा है, यही कारण है कि आज 5 साल बीत गए, निर्भया के मुजरिम जिंदा हैं, उनको फांसी नहीं हुई। और इसका फर्क हमारे समाज में पड़ रहा है कि आज भी हमारे बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ हर रोज कुछ न कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी व्यवस्था की कमी है, जो इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सालों साल आज भी केस चल रहे हैं,
तो ये सब चीजें बदलने की जरूरत है, इस पे काम करने की जरूरत है। निर्भया की मदर थी हैं जिनका साफ कहना है कि व्यवस्था को सुधारना होगा। 5 साल बीत गए फांसी की सजा की वो मांग कर रही हैं, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं राजनीति से हटकर अब महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को सुधारने की जरूरत है, ऐसा निर्भया की माँ का कहना है। संघर्ष जारी है, वो ये भी कह रही है, लेकिन कब फांसी होगी ये सवाल भी वो सरकार से पूछती नजर आ रही है। कैमरामैन मनोज के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।